सरकार एलआईसी का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार बेचेगी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर तो एलआईसी का बड़ा हिस्सा सरकार बेचेगी, आईपीओ लेकर आएगी सरकार, बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त आपको। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी रायपुर से सुप्रिया जुड़ गई हैं और अरविंद जुड़ गए हैं भोपाल से। सुप्रिया, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि टैक्स के बाद क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ युवा है, हम उनसे जानना चाहेंगे। अभी टैक्स जो पढ़ा हुआ है, टैक्स रेट जो है वो कम कर दी गई है, 5 लाख के ऊपर जो है उस पे टैक्स लगेगा, तो क्या कहना चाहेंगे? 5 लाख पे शून्य है, उसके बाद जो टैक्स है वो बढ़ा दी गई है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो देश का अभी आम बजट आया है वो जैसा नाम है कि आम बजट, वैसे ही पूरी कोई खास बात इसमें नजर नहीं आ रही है, कोई प्रोत्साहन करने वाली युवाओं के लिए बातें नजर नहीं आ रही है। रहा सवाल टैक्स का, टैक्स के लिए जो 5 लाख की इन्होंने छूट की गई है, मुझे लगता है कि उसे 7 लाख या 8 लाख करना चाहिए था, क्योंकि आज देश की जो अर्थव्यवस्था गिरी है, महंगाई जो बढ़ी है, लोगों की कहीं ना कहीं आय कुछ ऐसे वर्ग की जो बढ़ रही है, जिसके कारण ये बिल्कुल भी जो मोदी सरकार या फिर जो अभी वित्त मंत्री जी ने जो टैक्स के लिए किया है, ये मुझे तो लगता नहीं कि फायदेमंद है देश के लिए। आपने कहा है फायदेमंद नहीं है, लेकिन निर्मला सीतारमण ने युवाओं को रोजगार को लेकर के फोकस किया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने अभी जहाँ तक जितना भी बजट मैंने देखा है उसमें ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया उसके लिए युवाओं के लिए रोजगार के कोई साधन है। आज सबसे ज्यादा बेरोजगार पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा बेरोजगार भारत देश में है, और रोजगार के लिए मुझे लगता नहीं कोई अवसर मोदी सरकार प्रदान कर रही है। पहले भी मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार दिए जाएंगे, पर वो सारे वादे खोखले रहे हैं, और मुझे इस बजट में बिल्कुल नहीं लगता है कि लोगों को और जो युवाओं को रोजगार मिलेगा, मुझे बिल्कुल प्रतीत नहीं होता है। क्यों नहीं लगता आपको, क्या कारण है ऐसा? देखिए, आज जो शिक्षा का स्तर है मोदी सरकार इतना गिरा दिया है, और आज देश में आर्थिक मंदी है, और देश में ऐसे इस बजट में ऐसा कुछ खास दिखा नहीं है, जिस सिर्फ और सिर्फ एक मछली पालन में जो मतलब युवा जो तटीय स्थान पर रहते हैं, जो मछली पालन करेंगे, उनके लिए थोड़े बहुत अवसर मुझे लगता है प्रदान कर रही है मोदी सरकार, पर जैसे हम जैसे जो युवा है, जो हम रायपुर शहर में रहते हैं या फिर जो भी अनेक शहरों में रहते हैं, उनके लिए कोई खास बातें मुझे नजर नहीं आ रही है। आपने बात कही शिक्षा की, लेकिन शिक्षा को लेकर के भी मोदी सरकार एक प्लान बना रही है, उसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है, और मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ कहते हैं, वो करने में विश्वास नहीं करते हैं, और जो शिक्षा नीति नई लाई जाएगी, कब लाएंगे, किस वर्ष लाएंगे, इसके लिए कोई बात उन्होंने की नहीं है। पहले भी जो बजट आया था आम बजट, उसमें शिक्षा का बजट आधा किया गया है, ये इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा जैसे संस्थान में उसका देश में उसका बजट आधा किया जा रहा है। फिर से आपका रुख करेंगे, हमारे साथ सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं अरविंद, उनसे भी जान लेते हैं कि भोपाल की जनता का मिजाज आखिर क्या कह रहा है, किस तरह से इस पूरे टैक्स को देख रहे हैं, माफ कीजिएगा बजट को देख रहे हैं। बजट पेश किया गया है, हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपने पूरा बजट देखा, कैसे देखते हैं अगर ये बजट पेश किया गया है आज 2020 का, कैसे देखते हैं पूरे बजट को? नमस्कार, पहले तो मैं अपने संविधान के जो लोगों ने बजट के अंदर बैठ के यहाँ पे निर्णय लिए हैं और इस बजट को बनाने के लिए इतना कार्य किया है, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, और चौहान जी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे व्यापारियों के बीच में आए हमसे जानने के लिए। मैं इस बजट के बारे में आपको 3 चीज़ें प्रमुखता बताना चाहूँगा। जितने भी लोग थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे होने की अपने आप को वो कोशिश करते हैं कि हम पढ़े लिखों में आएं, वो इस बजट से बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि इस बजट को बनाने के बाद में 10 संशोधन 10 बार किए गए, और उनको समझने के लिए कम से कम उनको बजट को 3 बार पढ़ना चाहिए। इसको पढ़ेंगे और हम अगर इसको देखेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि एक आम नागरिक जो परेशान था टैक्स स्लैब से लेके, जो परेशान था बैंकों के रवैये से लेके, उसको ऊपर उठाया गया है, टैक्स स्लैब को कम किया गया है,
बैंकों के अंदर गारंटीज को बढ़ाया गया है, बैंकों के ऊपर सरकार से प्रेशर दिलवाया गया है कि वो गारंटी को बढ़ाएं ताकि एक आम आदमी सुरक्षा से अपने पैसे को बैंक में रख सके। दूसरी बात अगर आप देखेंगे कि हर तरफ ये बात आती है कि किसानों के लिए साहब कोई भी टैक्स नहीं है, व्यापारियों के लिए टैक्स है, और किसानों को टैक्स से माफ़ी मिल जाती है, व्यापारियों को टैक्स मिलता है, हम क्या करें हम क्या करें। तो मैं उन व्यापारियों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो किसान है उसका व्यापार क्या है, वो अपना श्रम का दान करता है, उसके बाद वो अनाज उगाता है, उस अनाज को हम जैसे व्यापारी बेचते हैं और पैसा कमाते हैं, वो भारत माता को तो दे ही रहा है और साथ में हम जैसे व्यापारियों को भी कमाने का मौका दे रहा है, वो भी हमारा भाई है। और मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर उसको टैक्स माफी दी गई है तो पहले बता दूंगा कि टैक्स माफी नहीं है, उसको पहले टैक्स लिया गया है, श्रम के रूप में टैक्स लिया गया है, तब हम जैसे व्यापारी उस सामान को बेचते हैं, उस सामान से लाभ उठाते हैं और टैक्स भरते हैं। निवेदन करूंगा आपके माध्यम से इस पूरे देश के व्यापारियों को, यदि आप टैक्स भर रहे हो तो एक अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि आप इस देश में जब यहाँ पे पैदा हुए थे तो हर व्यापारी शून्य से शुरू हुआ था। मैंने पहली बार जब कमाई करी थी 1700 रुपये की कमाई करी थी, और आज अगर मैं 20 लाख से ऊपर का टैक्स भरने की क्षमता रखता हूँ तो ये योगदान और ये पूरा जो भरोसा मुझे मिला ये इस देश से मिला। निश्चित तौर पे कहेंगे रस, हमारे साथ कुछ और व्यापारी हैं, कुछ व्यापारी बड़ा खुश हैं जो ये बजट पेश किया गया, हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, हम ये बात जानना चाहते हैं कि सरकार निजीकरण की तरफ बढ़ रही है, LIC को निजीकरण में शेयर बेचे जा रहे हैं, साथ में कह सकते हैं कि ट्रेनें हैं 150 ट्रेन का भी निजीकरण किया जा रहा है, कैसे देखते हैं? मेरा ये मानना है, देश की जनता, आपने देखा होगा पहले सिर्फ सरकारी स्कूल हुआ करते थे, हम सब स्कूल सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते थे, वहाँ देखा गया कि शिक्षा की जो थी सही तरीके से नहीं दी जाती थी। आज एक छोटा से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी हो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल समर्थन करते हैं या विरोध में है? मैं समर्थन में हूँ, जो जिस तरह का बजट गवर्नमेंट लेके आई है मैं पूर्ण रूप से उसके समर्थन में हूँ, क्योंकि जो बजट बनाया है कुछ देश के पढ़े लिखे लोगों ने बजट को बनाया है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे जाने की कोशिश करते हैं। आप सुरक्षा के लिए क्या कहेंगी? अभी आज बजट आपने देखा पूरा, और एक महिला ने ही बजट पेश किया है, महिला वित्त मंत्री, कैसे देखते हैं आप? सर, ये बहुत ही अच्छी बात है, आज हर जगह टॉप मोस्ट सीटेज पर भी महिलाएं आज मौजूद हैं, और जो आज बजट में सबसे मेन जो बेसिक जो काम करती हैं, जो कार्यकर्ता हैं आंगनवाड़ी की, जिनको आज आगे बढ़ाया गया है, जिनको स्मार्टफोन के जरिए एक बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, उसी के साथ साथ सरकार से ये भी एक रिक्वेस्ट है कि वो इसके साथ साथ सुरक्षा के उसमें भी एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करें। बस चलिए, आपसे जानना चाहते हैं कि टेस्ट लैब में 5 लाख तक का 2.5 लाख तक का वसूल किया गया है। सुप्रिया भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सुप्रिया से भी जान लेते हैं कि और वहाँ जो उनके साथ जितने जो दर्शक जुड़े हुए हैं, जो रायपुर के जो लोकलाइट्स लोग हैं, और उनकी क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, क्या वो तमाम एक्सपेक्टेशंस खरी उतरी? मैं आपसे जानना चाहूंगी, बजट से जो आपने उम्मीद की थी वो उम्मीदें आपकी पूरी हुई या फिर कुछ बाकी रह गया है? नहीं मैम, मेरे हिसाब से जैसे कि आम बजट है, जैसे कि दिखाया जा रहा है, तो जैसा कि युवाओं को शिक्षा चाहिए तो रोजगार के क्षेत्र में काम हो रहा है, और जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो भी सुधरी है, तो मेरे हिसाब से सरकार जो कर रही है वो एक तरह से सब तरफ अच्छा कर रही है। क्या चाहते हैं युवाओं को लेकर के, और क्या चाहते हैं? सरकार ने रोजगार को लेकर के एक नई योजना बनाई है, साथ ही शिक्षा को लेकर के भी नई योजना बनाई है, तो क्या आप इससे सहमत है? क्या चाहते हैं और क्या चाहते हैं युवाओं के लिए? जी मैम, अब मुझे तो लगता है कि जैसा सरकार ने सोचा है जो हमारे लिए ठीक है वो वैसा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें और हमें कुछ और चाहिए। किसानों के लिए अभी रेल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, और साथ ही प्लेन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जितने भी किसानों के उत्पादन सामान होंगे जैसे कि मांस, दूध, मछली, ये सारे चीजें प्लेन के द्वारा या फिर ट्रेन के द्वारा ले जाया जाएगी, तो आप इससे कितने सहमत है और क्या चाहते हैं? साथ ही इस बार रासायनिक जो खेती होती थी उस पर भी लगाम लगाने की केंद्र सरकार ने विचार किया है इस पर, तो क्या चाहते हैं? हाँ मैम, ये बहुत अच्छा मतलब पहल शुरू किया है कि उन्होंने मतलब किसानों के सामानों को प्लेन से ट्रेन से पहुँचाया गया, लेकिन इस पर ये बात होनी चाहिए कि उनका मतलब जो चार्जेस है वो बहुत मिनिमम होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि किसानों को मतलब उनके मतलब प्रॉफिट के अकॉर्डिंग बहुत कम होना चाहिए। बाकी और रासायनिक में प्रतिबंध ये अच्छी बात है, लेकिन इससे एक तरह से वैसे फसलों को बहुत सारे कीट बर्बाद कर देते हैं, तो एक जैविक दवाइयों मतलब बढ़ावा देना चाहिए, और रासायनिक में बंद है लेकिन इसको लिमिट करना चाहिए, क्योंकि जरूरत तो पड़ेगा, क्योंकि कीट फसलें बर्बाद कर देती। बाकी किसानों के लिए बहुत अच्छा ये योजना है कि उनको सामानों को जल्दी पहुंचाएंगे ताकि खराब नहीं होंगे,
और सभी लोगों तक अच्छे से पहुंच जाएंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज है किसानों के लिए। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें और कोई सुविधा की जरूरत है, बस जो जो चार्जेस है जो इन सब चीज़ें उनके कम से कम होना चाहिए ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, और ये कृषि प्रधान देश है तो कृषि पे ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और इसके थ्रू मतलब बेरोजगारों को भी रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाएंगे जैसे सामानों को ले जाने लाने में, और सब तरफ से ठीक है ये, मतलब किसानों के लिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है ये। बिल्कुल सही कहा आपने, रोजगार के साधन तो उपलब्ध होंगे ही, साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ जीएसटी जो है उसे अप्रैल से सरलीकरण किया जाएगा, तो इससे आप कितने सहमत हैं? जीएसटी मैम, जीएसटी सरलीकरण ये तो दिख रहा है, एक अब शुरू में ही कहा गया था कि ये एक ही जीएसटी है और सरल है करके, लेकिन जब ये चला तो पता चला कि कितना सरल है अब लोगों को, लेकिन हमारे हिसाब से तो अब रोजगार मतलब शिक्षित युवाओं को शिक्षित लोगों को तो जीएसटी शुरू से ही सरल लग रहा है, लेकिन अब सरकार हर किसी के हिसाब से उसको सरल बनाना चाहती है, तो अब जो भी फैसला लेगी हम तो सहमत है जीएसटी पे, मुझे नहीं लगता इस पे कोई और सरल करने की जरूरत है। मैं आपसे जानना चाहूंगी आप क्या उम्मीद रखते हैं इस बार के बजट में? मैं चाहता हूं कि सरकार को देश की युवाओं की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यूथ ही देश की असली जान है, जो कर सकते हैं यूथ ही कर सकते हैं देश के लिए, तो उन्हें युवाओं के रोजगार के लिए कुछ और बेहतर करनी चाहिए, क्योंकि सरकार इतनी योजना लाती तो है लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाती है, तो इसको फास्ट करना चाहिए। लॉचिंग सुप्रिया, अरविंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, जिस तरह से आप रायपुर के लोगों के रिएक्शन से सुन रहे थे, और इससे पहले भी जब आप व्यापारियों से बात कर रहे थे वो बता रहे थे तमाम अपनी दिक्कतें बता रहे थे, ये जो इस बार का जो बजट आया है वो इस बार के बजट से वो कितने खुश नजर आ रहे हैं, क्या उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरा है ये बजट? बस निश्चित तौर पर कहेंगे कि इस बार का बजट बिल्कुल 2020 स्टाइल में दिया गया है, क्योंकि साफ तौर पर कह सकते हैं कि 2020 का बजट है और 2020 के स्टाइल में दिया गया है, क्योंकि जीडीपी की जो दर है वो बराबर घटती चली जा रही थी और साथ में महंगाई दर बराबर सुरसा की तरह बढ़ती चली जा रही थी, तो सरकार के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, इसलिए कह सकते चुनौती थी सरकार के ऊपर, इसलिए बजट में बहुत सारी संशोधन किए गए हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी उनसे जानते हैं, सर कैसे देखते हैं पूरे बजट को आप? सर बजट बहुत ही अच्छा लागू हुआ है भारत देश में, अभी स्वास्थ्य का देखा मैंने कि स्वास्थ्य पे 2 लाख हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, जिससे हमारा हर व्यक्ति हर मोहल्ले में एक हॉस्पिटल होगा, उस हॉस्पिटल के द्वारा हर व्यक्ति को हम स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान करवा पाएंगे, जिससे हमारा भारत स्वस्थ होगा और हमारा भारत तरक्की करेगा। आप सर कैसे देखते हैं स्लैब को पूरा, जो 5 लाख का जो स्लैब आया है? 5 लाख का स्लैब सर मैं ये देखता हूँ कि यार ये बहुत अच्छी प्रावधान है कि ये छूट दी गई है, जो और उसके ऊपर का स्लैब में भी मैं 10% और 5% की छूट दी गई है, तो इसको मैं बहुत पॉजिटिवली लेता हूं, और ये बहुत अच्छा बजट है जो मिडिल क्लास के लिए दिया गया है। आप कैसे देखते हैं, आप व्यापारी हैं, कैसे देखते हैं पूरा आज बजट पेश किया गया है, देश का बजट आया है 2020 में, 2020 के स्टाइल से बजट पेश किया, कैसे देखते हैं? एक्चुअली क्या है, जैसे उन्होंने बोला कि LIC को हम प्राइवेटाइज करेंगे, अभी क्या हो रहा था कि कई सारे LIC एजेंट्स जो है वो उस तरीके से काम नहीं कर रहे थे जैसे उनको करना चाहिए, इसीलिए उनका जो भी रेट है वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है, क्योंकि वो अच्छे तरीके से लोगों के फॉर्म फिल नहीं करते, लोगों के डॉक्यूमेंट सही से लेते नहीं, इस कारण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उनको नुकसान होता है लोगों को। अब क्या है, जब वो प्राइवेटाइज में आ जाएगा तो उससे लोगों को ये फायदा। आप समर्थन करते हैं निजीकरण का या विरोध करते हैं? मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ इसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी आज की तारीख में कर रही है वो आज तक कभी नहीं हुआ, और जो भी कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है, इससे हमें बहुत ज़्यादा लाभ होने। आप कैसे देखते हैं पूरे बजट को? भारत सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये शानदार बजट उन्होंने इस सत्र का पेश किया हुआ है, और निजी किसी पार्टी से है क्या? नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ सर, मैं तो एक व्यापारी हूँ, और व्यापारी के लिए जो उन्होंने टैक्स में रिबेट दिया हुआ है, इस स्लैब वाइज उसको किया हुआ है, 5% 10% की उन्होंने इसमें छूट दी गई है, तो ये आम लोग आम जनता के लिए ये बहुत बढ़िया है, पैसा बचा करके कहीं इन्वेस्ट करेंगे जिससे कि सरकार को और फायदा होने वाला है। हमारे साथ कोई युवा हैं, देखते हैं, आप कैसे देखते हैं इस बजट को, आप इस बजट को कैसे देखते हैं? चलिए कोई बात नहीं, वो आप महिला हैं और महिला सुरक्षा के लिए कैसे देखते हैं आप? सर सुरक्षा की दृष्टि से भी आज बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है, और साथ ही साथ आगे भी बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती रहेंगी, जैसे जो हमारा 5G 7G तक जो हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उस दृष्टि से आज महिलाएं हर जगह अवेलेबल है, और जहां टॉप 10 या CAO CEO की जगह आज नहीं लिया जाता था महिलाओं को, आज वहां भी महिलाएं मौजूद हैं।
आप से अगर हम बात करें दाजी, आपसे आप बड़ा तारीफ कर रहे थे व्यापारियों को, आपने अपील भी की है कि उन्हें कर देना चाहिए, ओवरऑल जो बजट पेश किया गया है, आप पूरे बजट को कैसे देखते हैं? देखिए, पूरे बजट में पूरी तो कोई भी चीज़ एकदम मुकम्मल नहीं होती। इस बजट के अंदर दो तीन ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि और सुधार के लायक थी, मगर कुछ ना कुछ सरकारी दाव पेच या कुछ ना कुछ ऐसे बड़े दाव पेच होंगे जो हमको समझ में नहीं आते इस लेवल से, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि उनमें सुधार अगली बार भी होगा। और प्राइवेटाइजेशन पूरी तरह से बहुत अच्छा नहीं होगा, मगर मैं एक बात ये बोलना चाहूँगा कि प्राइवेटाइजेशन आने से देश के जो स्तर है, जिस स्तर पर हम जाना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच कर पाएंगे। हमारी सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है, मगर एक चुनौती होती है कि उनके पास 5 साल होते हैं और 5 साल बाद में नीति चेंज हो जाती है, नियम चेंज